हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा मोहन ब्लॉग। और सबसे पहले आप सबों को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज जिस रेसिपी को हम लोग शेयर करने वाले हैं वो रेसिपी है भिंडी का भुंजिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे भिंडी का भुंजिया बनाते हैं। और साथ ही आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग यही मेथड अप्लाई करते हो या फिर कोई अन्य मेथड से आप लोग बनाते हो। तो दोस्तों, अब तेल डाल दिया है इसमें, तो तेल गर्म होने का इंतजार कर रहे हैं। तो तेल पक गया है, अब इसमें थोड़ा सा जीरा, प्याज, मिर्च, इसलिए हम लोग प्याज और मिर्च को धो लिए थे, इसलिए थोड़ा पानी के जाने का आहट आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, जिस कारण जो है तेल थोड़ा खेलकूद कर रहा है, उछल रहा है। ज़्यादा भूंज देने देंगे। और थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो चुका है, तो अब इसमें हम लोग भिंडी ऐड कर रहे हैं। तो भिंडी को हम लोगों ने, आप देख सकते हो, लंबा लंबा काट लिया है, क्योंकि इसमें ना मसाला थोड़ा सा टमाटर देंगे ना, अच्छा लगेगा अंदर चलिए। आप छोटा छोटा भी काट सकते हो, लेकिन ये थोड़ा हम लोग जो है मसाला ज़्यादा ऐड करके बनाएंगे, इसलिए जो है इसको थोड़ा मसाला नहीं देंगे। तो दोस्तों, इसको हम लोगों ने लंबा लंबा कट कर लिया। आप लोग चाहिए तो छोटा छोटा भी कट कर सकते हैं, तो फिर कुछ डिफरेंट हम लोग सोचे कि थोड़ा ट्राई किया जाए। और इसमें हम लोग अब टमाटर मिक्स थोड़ा सा इसको फ्राई होने देंगे, उसके बाद में हम लोग टमाटर मिक्स करेंगे, फिर आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, हम लोग इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और हल्के हाथों से थोड़ा मिक्स कर लीजिएगा। और दोस्तों, स्वादानुसार नमक क्वांटिटी के अनुसार आप लोग ऐड कर लेना। तो दोस्तों, बीच बीच में हल्के हाथों से जो है इसको चलाते रहिएगा, नहीं तो अंदर से जल जाएगा। तो दोस्तों, इसको जो है तो अभी देख सकते हो। तो दोस्तों, अब जो है इसमें हम लोग टमाटर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हल्को हल्के हाथों से मिला लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का नाश्ता आ चुका है। तो आप देख सकते हो, रोटी, परवल की सब्जी, आलू परवल की सब्जी, भिंडी का भुंजिया और सलाद। तो दोस्तों, जो है रोटी गर्म है, इसलिए बेटी आह कर रही है। तो दोस्तों, थोड़ा टेस्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसा बना है भिंडी का भुंजिया। तो पापा, तो रियली डिलीशियस है दोस्तों। आप भी चाहिए तो घर में ट्राई कर सकते हैं। आपके साथ दोनों रेसिपी शेयर कर दूँगा, आलू परवल की सब्जी का, साथ ही भिंडी के भुंजिया का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बेटी, कैसा लगा?